बाराबंकी से खबर लेते हैं, जहां पर प्राइवेट स्कूल में हादसा हो गया है। स्कूल की छत गिरने से 36 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में तुरंत एडमिट करवा दिया गया है। एसपी समेत बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन मौके से फरार है। जहांगीराबाद थाने के अवध एकेडमी का यह मामला है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया। बच्चों के समुचित इलाज के आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर है, बाराबंकी में प्राइवेट स्कूल में हादसा हुआ है। स्कूल की छत गिरी है जिसमें 36 बच्चे घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायल बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। एसपी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हादसा किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, कहां लापरवाही बरती गई है, इस बात की भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन मौके से फरार हो गया। जहांगीराबाद थाना के अवध एकेडमी का यह मामला है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया और बच्चों के समुचित इलाज के आदेश भी अब अधिकारियों को दे दिए हैं। जूनियर हाई स्कूल तक ये एडिट था, लेकिन बच्चे यहाँ पे इंटर तक पढ़ रहे थे। 400 से अधिक बच्चे थे। सुबह प्रार्थना के समय एक ही समय एक साथ छज्जे पर काफी बच्चे नीचे उतरने के लिए आ गए और वो छज्जे पर लोड बढ़ा होगा, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रही नहीं होगी, नीचे गिर गए। करीब 40 बच्चे बताया जा रहा है कि उसमें घायल हो गए हैं और उन सभी लोगों को यहाँ पे कुछ लोगों को फर्स्ट एड दिलवा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। वहाँ सीएमओ और सीएमएस पहुंच गए हैं, उनका इलाज हो रहा है। तो एसपी साहब को हम सुन रहे थे कि किस तरह से ये हादसा हुआ। वहां पर प्रार्थना सभा चल रही थी जब सुबह सुबह बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, उस दौरान छत गिरी है और 36 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। बातचीत करने के लिए अमित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये हादसा किस तरह से हुआ? क्या पहले से जो ये भवन थी वो जर्जर हालत में थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, या कोई और वजह इसमें सामने आ रही है? देखिए, बता दें कि पूरा मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अवध का था, जहां सुबह के वक्त प्रार्थना करने के साथ उसके बाद ये हादसा हुआ है। लगभग 400 बच्चे पूरे विद्यालय में सुबह प्रार्थना कर रहे थे। सेकेंड फ्लोर पे छज्जा होता है, जब वहां से बच्चे निकलना शुरू हुए तो एकाएक जो है ये छज्जा भरभरा कर नीचे है। बताया ये भी जा रहा है कि पूर्व में भी इस विद्यालय को लेकर के काफी चर्चाएं रही। इस विद्यालय में जो जिस तरीके के सामान प्रयोग किया गया इसको बनाने के लिए, वो भी मानवों के ऊपर नहीं थे। तो इससे पहले भी इस विद्यालय के ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं और इस बार इतनी बड़ी घटना देखने को मिली है। इस पूरी घटना में 40 बच्चे जो थे वो घायल हुए थे। मौके पर आला अफसर जरूर पहुंचे और सारे बच्चों को जो है निजी अस्पताल और सीएससी और जिला अस्पताल में सबको रेफर किया गया। मौके की अभी बात करी जाए तो जो मौके पे जो बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है। 40 बच्चों में से 8 बच्चों की स्थिति थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि मौके पे अस्पताल के सीएमओ अब तक स्कूल प्रबंधन का कुछ पता चल पाया है? अनिरुद्ध, लगता है अनिरुद्ध तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अनिरुद्ध बता रहे किस तरह से हादसा हुआ। फिलहाल बच्चों को जल्द से जल्द इलाज मिले और प्रायोरिटी पर बच्चे रखे गए हैं। बाद में जांच की बात भी इस पर एसपी साहब कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध जानकारी देने के लिए।